सत्र के माननीय राज्यपाल जी महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार प्रकट करती हूँ। राजस्थान सरकार ने बीते सालों में विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए राजस्थान के हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आज मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी इस संवेदनशील सरकार का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत कर रहे हैं, और मेरा यह बड़ा सौभाग्य है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि ऐसे गांधीवादी नेता के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत अपना हर एक एक क्षण और हर पल जरूरतमंद व्यक्ति को किस प्रकार से राहत मिले और उनके लिए किस प्रकार से वो उपयोगी साबित हो सके, यही उनके मन और दिमाग में रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विगत कार्यकाल के साथ साथ वर्तमान कार्यकाल में भी स्पष्ट दिखाई देता है कि उनके यही प्रयास राजस्थान सरकार को और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। हमारी सरकार ने सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म के नारे के साथ शुरुआत करी और एक ऐसी योजनाओं की सौगातें इस राजस्थान की जनता को प्रदान की जिससे आज अगर हम बोलते बोलते थक जाएं, चाहे 24 घंटे बीत जाएं, लेकिन योजनाएं खत्म होने का नाम नहीं लेती। हर उस आम आदमी के लिए योजनाएं बनाई, चाहे वो वृद्ध महिला हो, चाहे वो वृद्ध पुरुष हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो बहन हो, हर उस आदमी के लिए योजनाओं का अंबार लगा दिया। सबसे महत्वपूर्ण योजना की अगर हम बात करें तो चिरंजीवी योजना। विगत काल में जिस तरीके से कोरोना काल रहा, इससे कोई छुपावा नहीं है, यह कोरोना काल जिस महामारी के अंतर्गत जिस पूरे विश्व में एक साथ आया, दुनिया में ऐसा कभी कोई समय नहीं आया था कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर भी बंद हो गए, दुनिया बाहर निकलना जिसने बंद कर दिया, दुकानें बंद हो गई, व्यापार बंद हो गए, घर बंद हो गए, लेकिन इस विकट परिस्थिति में भी मुख्यमंत्री जी ने हर अपने क्षण को, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव रहे हो, चाहे वो जितने भी बीमार रहे हो, हर क्षण को राजस्थान की जनता के लिए जिया। 500 से भी ज़्यादा VC के माध्यम से हर उस आम आदमी से संपर्क किया, सरपंच से संपर्क किया, धार्मिक गुरुओं से संपर्क किया, डॉक्टर से, इंजीनियर से, पंचायत के सरपंचों से, विधायकों से, MP महोदय से, हर उस एक शख्स से बातचीत की कि किस तरह इस कोरोना काल से हम निपट सकते हैं, किस तरह इस कोरोना काल से हम उभर सकते हैं। अनेक सुविधाओं के साथ, चाहे हम कहते हैं मुफ्त दवा योजना के माध्यम से, मुफ्त जांच योजना के माध्यम से निरोगी राजस्थान को लेकर आए, और कोरोना काल से निपटने के लिए जिस तरीके से वो हर एक क्षण लोगों से बातचीत करके, डॉक्टरों से बातचीत करके वो लोगों के साथ हर एक क्षण उन्होंने बिताया, ये विपक्ष से भी छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि विपक्ष के साथ भी उन्होंने हज़ारों VC के माध्यम से जो उन्होंने सुझाव दिए उस पर अमल मुख्यमंत्री जी ने किया। हम बात करें मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की, कोई नहीं सोचता है घर का अगर व्यक्ति बीमार हो जाए, हमारा पिता, हमारी माता, हमारी बहन, भाई, और लास्ट तक जब गंभीर बीमारी से वो ग्रसित हो जाता है तो परिवार भी साथ छोड़ देता है और हजारों लाखों रुपए लगते हैं उस बीमारी के इलाज में, घर बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की परंपरा रही है कि हम उस अपने परिवार के आदमी का साथ नहीं छोड़ते हैं, अंत तक हमारे घर भी बिक जाए तो हम उसको स्वास्थ्य लाभ दिलाने का और अंत तक उसकी स्वास्थ्य की अच्छी कामना करने की हम बात करते हैं। इस बात को हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने सोचा, किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं आई होगी कि 10 लाख का बीमा, कितनी बड़ी रकम एक आम आदमी के लिए मुख्यमंत्री जी ने सोची और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाकर आम नागरिकों को सौंपी। हजारों का इलाज इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में होता है, आप स्वयं इस योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आप खुद ये जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण योजना इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आई है, और इसके साथ साथ 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी इसमें जोड़ा गया। आप देखिए अनेकों दुर्घटनाएं, ईश्वर नहीं करे कि किसी के घर में ऐसी दुर्घटना आए, लेकिन फिर भी कई दुर्घटनाएं होती हैं और जल्दी से इस दुर्घटना में अगर ये बीमा से कोई आदमी जुड़ा हुआ है तो 5 लाख का संबल उस आदमी को तो हम नहीं ला सकते, लेकिन जो पीछे बचा हुआ है, उसकी पत्नी है, उसके बेटे हैं, उसकी बहन है, उसको 5 लाख का संबल मुख्यमंत्री जी ने प्रदान किया। ऐसी अनेक योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री जी ने निरोगी राजस्थान, जांच योजना, दवा योजना लाकर जो आम नागरिकों को स्वास्थ्य का लाभ दिलाया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके साथ साथ RGHS, वो कर्मचारियों को भी वो इस योजना से जोड़ने में पीछे नहीं हट रहे हैं और कर्मचारियों के लिए भी RGHS योजना लागू करके उनको स्वास्थ्य का लाभ दिलाने का काम किया है। अगर मैं मेरे जोधपुर विधानसभा की बात करूं
तो चाहे MDM अस्पताल हो, चाहे MGH अस्पताल हो, चाहे उम्मेद अस्पताल हो, उसमें करोड़ों रुपए से लागत से चाहे ICU बेड बनाना हो, चाहे OPD का निर्माण करना हो, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट बनाना हो, अलग अलग माध्यमों से स्वास्थ्य विभाग को और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने किया। इसके साथ साथ मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि शहर के भीतरी क्षेत्र में हमारे जो नवचौकियाँ हैं उसमें सैटेलाइट अस्पताल की स्थापना कर जो आम नागरिकों को उन्होंने राहत प्रदान की है, इसलिए और इसके साथ साथ रेजिडेंसी अस्पताल में भी उन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर आम नागरिकों को जो चिकित्सा सुविधा प्रदान की, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। चिकित्सा के साथ जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों को कर्मोन्नत किया, जो 8वीं तक थी उसको 10वीं तक करना, 10वीं तक थी जो उसको 12वीं तक करना, स्कूलों को कर्मोन्नत करके स्कूलों के विकास की बात की, बच्चों के विकास की बात की, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी समझा कि हर आम आदमी के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ना बहुत आवश्यक है। जिस तरीके का आज का परिवेश हो रहा है, हम बड़े बड़े लोग जो लाखों रुपए कमाते हैं वो तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेज देते हैं, इंग्लिश पढ़ा लेते हैं, बाहर बच्चों को भेज देते हैं, लेकिन आम आदमी क्या करे, असहाय व्यक्ति क्या करे। इसी बात को उन्होंने, इस मर्म को समझा और इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल की स्थापना की, और आज गरीब का बच्चा भी, असहाय का बच्चा भी इस स्कूल में पढ़कर अपने आप को इंग्लिश मीडियम के सम्मान, जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उसको सम्मान अपने आप को नजर आ रहा है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने इस तरीके की व्यवस्था लागू की और आम बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की कोशिश करने में जो आपने एक कदम आगे बढ़ाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे वो कालीबाई भील मेगावी छात्रा स्कूटी योजना हो, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना हो, और इसके साथ साथ उन्होंने इन स्कूलों में यूनिफॉर्म भी निःशुल्क करके जो हर एक बच्चे को एक व्यवस्थित और सुंदर और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ बाल गोपाल योजना, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए सप्ताह में 2 दिन जो दूध पिलाने का काम, हम सवेरे जब उठते हैं तो सबसे पहले माँ ये कोशिश करती है कि मेरे बच्चे को दूध पिलाया जाए, तो ये भावना भी हमारे मुख्यमंत्री जी में नजर आई और उन्होंने बाल गोपाल योजना के तहत हर बच्चे को सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाने का काम किया। इसके अलावा ऐसी कई योजनाएं हैं जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ तक कि बाहर अब्रॉड में भी बच्चों को भेजने का जो योजना बनाई है वो सरकार ने, वो बहुत महत्वपूर्ण योजना नजर आती है। हमारे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर में MBM इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देना, फिजिकल कॉलेज में 150 करोड़ की रुपए की लागत से उसका विकास करना, और इसके साथ साथ खिलाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब बच्चा स्वास्थ्य अच्छा है, शिक्षा अच्छी कर रहा है, तो वो खेल में भी अपने आप को विकसित करे, खेल भी उतना ही आवश्यक है उसके लिए जितना कि हर एक शिक्षा उसके लिए आवश्यक है। बरकतुल्ला खां का विकास करना, और इसके साथ साथ हमारे जो भी साड़ा किला मैदान है उसमें करोड़ रुपए लगाकर बजट का आवंटन करना, मुख्य इंदिरा गांधी रसोई योजना, आप देखिए जहाँ 10 रुपए में चाय मिलती है वहाँ 8 रुपए में एक शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन कराने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। सम्मानपूर्वक टेबल पर बैठाकर उसको खाना खिलाने का काम, जिस तरह कोरोना काल में कोई भूखा न सोए के तर्ज पर मुख्यमंत्री जी इस योजना का निर्माण किया, और आज ये योजना चरम पर है और बहुत अच्छे ढंग से ये योजना चल रही है। आम गरीब आदमी को 8 रुपए में भोजन मिल रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का निर्माण करना, इसके साथ साथ शहरी ओलंपिक की शुरुआत भी होने जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं लाकर जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी आम लोगों की राहत प्रदान करने का काम कर रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि जिस तरह लोगों को तीर्थ यात्रा करवाना, आप देखिए हम सुनते थे कि एक श्रवण हुआ करता था और वो अपने माता पिता को यात्रा करवाता था, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने हर घर का श्रवण बन के बुजुर्गों को जो तीर्थ यात्रा करवाई है, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पुरानी पेंशन योजना खत्म करके जो नई पेंशन योजना खत्म करके जो उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू की है उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हर बुजुर्गों का लाठी बनने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। सम्मानपूर्वक अगर बुजुर्ग अपनी जिंदगी जिएंगे तो घर में उनका भी सम्मान होगा, वो आत्मसम्मान से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। जब हमारी बहन महिलाओं की बात करती है, महिलाओं पर अत्याचार की बात करती है, लेकिन उनको ये नज़र नहीं आया कि हम FIR हमने अनिवार्य की, इसीलिए आप लोगों को पता चल रहा है कि इतने महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आप महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करते हैं, आप महिलाओं की रसोई के ऊपर ध्यान दीजिए, कहाँ 1000 से ज़्यादा आप सिलेंडर कर रहे हैं, दाल आटे का भाव कहाँ आप बढ़ाया जा रहे हैं। आप महिलाओं की अगर वास्तव में सम्मान करते हैं तो उसके लिए कुछ ऐसी योजनाएँ बनाएं, एक ठोस योजनाएँ बनाएं। इसके साथ साथ पूरे भारत में
स्वाप करें। जिस तरीके से सर एक मिनट बस अपनी जिस तरीके से ग्रामीणों में मनरेगा योजना चल रहा है, शहरों में भी मनरेगा योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने की, और मैं इस मंच के माध्यम से आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि आप मनरेगा का पैसे बढ़ाइए ताकि आम गरीब आदमी को घर में बैठे हर उस व्यवसाय को जो इस योजना से जुड़ा हुआ है वो अपनी कमाई को और बढ़ा सके। इस बात को कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। जो मांगा वह मिला, जुमला नहीं विश्वास मिला, हर डगर को विकास का एक सोपान मिला। धन्यवाद। जय हिंद। श्री अर्जुन लाल जिनगर। माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल अभिभाषण, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, राजस्थान के पवित्र क्षेत्र में महामहिम के द्वारा अभिभाषण पढ़वाया गया, सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई, लेकिन वास्तविक स्थिति देखे धरातल पर तो क्या नजर आएगा आपको देखने को मिलेगा। ये अभिभाषण असत्य का पुलिंदा है, इसमें लिखी हुई सब बातें सत्य से बहुत परे हैं। सरकार अपनी प्रशंसा के लिए बड़ी बड़ी बातें अभिभाषण के माध्यम से कहला रही है, लेकिन जनता से मिलेंगे, धरातल पर देखेंगे तो वहाँ लगेगा कि जनता के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है। सरकार की जन विरोधी नीतियाँ, कुशासन, भ्रष्टाचार, जंगल राज से परेशान है जनता। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार तो जाएगी ही, और आपके 10 से 12 से ज़्यादा लोग जीतने वाले नहीं हैं, आप याद रख लेना इस सदन में। हाँ, इतने आने वाले हैं। माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण में ये कहलाया, पेरा नंबर 7 में लिखा, संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही, सुशासन के मूल मंत्र को धरातल पर उतारा जा रहा है। मुझे कहीं नज़र नहीं आता सरकार में कोई संवेदनशीलता है, सरकार में न पारदर्शी है, न जवाबदेही है, न सुशासन है। प्रदेश में जंगल राज, कानून व्यवस्था तहस नहस हो गई है। कानून व्यवस्था का एक उदाहरण देना चाहता हूँ, सरकार की ऐसी हालत क्यों हुई है आप सुन ले, जान ले। कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री बने रहना 4 सालों में ब्यूरोक्रेसी 2 भागों में बढ़ गई। आपसी स्वार्थ और लड़ाई के कारण वो कहता मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, वो कहता मैं मुख्यमंत्री रहना चाहता हूँ। प्रदेश की सरकार कई महीनों तक होटलों में बंद रहती है, ऐसी परिस्थिति है। और जितने भी ये विधायक हैं सरकार के, वो अपने आप को मिनी मुख्यमंत्री बन करके जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर आपसे निवेदन करना चाहूँगा, राजस्थान की कांग्रेस सरकार का काला चिट्ठा बताऊंगा तो आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। कांग्रेस के 4 साल, राजस्थान बदहाल। कानून व्यवस्था की जानकारी मैं दूं, विगत 4 वर्षों में 8,31,000 मुकदमे दर्ज हुए,